मॉर्निंग टू ऑल माई डर स्टूडेंट्स इन दिलेक् वी आर गोइंग टू डिस्कस समू सर्किल एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द समर वन इज सेगमेंट ऑफ अ सर्किल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेगमेंट ऑफ सर्किल की डेफिनेशन बताऊंगी देन उसके बाद मैं इसे क्या करने वाली हूँ एक्सप्लेन करने वाली हूं तो बच्चों सेगमेंट ऑफ सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है द पार्ट दार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन सर्कुलर रीजन ये सारी चीजें आपको क्लास पर कॉपी में करनी है सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय बाय एन आर्क एंड अ कोर्ट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ट इज कॉल्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल सेगमेंट ऑफ अ सर्किल प्रीवियस लेक्चर्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्किल के आर्क के बारे में और जो है किस टाइप के आर्क होते हैं मेजर आर्क होते हैं माइनर आर्क होते हैं, होते हैं? वो उन, उन चीजों के बारे में डिस्कस किया अब सेगमेंट ऑफ अ सर्किल उसी के आगे का एक स्टेप प्रोसीड करके है देखिये हम करते क्या है कहा गया कि सपोज दैट की अगर आपके पास कोई एक सर्किल है बेटा कह रहे हैं द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क एंड अड इनक्लूडिंग दर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल किसी भी सर्कुलर रीजन का वो पार्ट कौन सा पार्ट जो किसी आर्क को जैसे सपोज करिए कि हमने ये आर्क ले रखा है और उस आर्क को और जो है कॉर्ड को कॉर्ड को कंटेन करता है जैसे सपोज करिए आपका आर्क है और ये आपका क्या है कॉर्ड है तो कोई भी सर्कुलर रीजन क्या चीज वो सर्कुलर वो सर्कुलर रीजन का वो पार्ट जो आर्क को और आर्क से जो करस्पॉन्डिंग जो आपका कॉर्ड मिल रहा है उसको कंटेन करता है तो इस टाइप का जो पूरा का पूरा जो पार्ट मिलता है ऐसे इसको हम क्या कहते हैं हम कहते हैं इसे सेगमेंट ऑफ अ सर्किल क्या कहते हैं बच्चों सेगमेंट ऑफ अ सर्किल ठीक है क्या क्या, -क्या चीजें मिली इसमें क्या क्या, -क्या चीजें हैं इसमें पहली चीज है आपकी आर्क और दूसरी चीज है, है कॉर्ड आर्क और कॉर्ड को लेकर के हमने जो चीज बनाई जो न्यू फिगर बनाया दैट फिगर इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल सर्किल का सेगमेंट कहलाया ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और भी चीजें अब डिपेंड करता है कि ये आपका मेजर आर्क है या माइनर आर्क है मेजर आर्क या माइनर आर्क किस तरीके से डिपेंड करेगा ध्यान से समझिएगा सॉरी uh, मेजर सेगमेंट है या फिर माइनर सेगमेंट है ये कि किस चीज पे डिपेंड करेगा मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा बच्चों देखिए ध्यान से समझिए अगर हमने जो आर्क कंसीडर किया है दैट इज आर्क ए बी इफ आर्क ए बी इज आर माइनर आर्क आर्क ए बी अगर माइनर आर्क होगा तो जो सेगमेंट मिलेगा दैट सेगमेंट विल बी माइनर सेगमेंट और अगर आर्क बी ए जैसे आर्क ए बी जैसे सपोज करिए कि ये एक पोर्शन है ये सेंटर हो गया और ये आपका दूसरा आर्क मिल गया इस तरीके का ये देखिए ये पोर्शन जैसे अगर हम ये पोर्शन की बात करते हैं ये वाला पोर्शन तो ये किस टाइप का आर्क हुआ दिस आर्क इज कॉल्ड योर मेजर आर्क और ये कॉर्ड हो गया दिस इज योर कॉर्ड एंड दिस इज योर आर्क

से हमने यहाँ पर क्या लिया था अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये आपका पोर्शन अगर आप देखिए ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया तो बचा कौन सा ये बन गया आपका आपका हुआ? आपको मैंने में बताया था, क्या बताया था? कि अगर माइनर आर्क होता है तो बी ए आपका क्या बनता है ए आपका मेजर आर्क ठीक अब ये पोर्शन वाला जो पूरा पोर्शन पूरा था अगर ये माइनर सेगमेंट मिला तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन वाला ये पोर्शन आपको पूरा मिला यहां से लेकर ये पूरा पोर्शन दैट सेगमेंट इज कॉल्ड योर मेजर सेगमेंट ये आपका क्या हो जाएगा ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा तो इस तरीके से देखिए तो ये पूरा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया दैट इज माइनर सेगमेंट और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट अब मेजर uh, सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों को ही हम कहते हैं साथ में दे आर ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट मेजर का ऑल्टरनेट सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट माइनर को ऑल्टरनेट सेगमेंट है तो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ ईच अदर तो फाइनली एक हमारे पास ये चीज मिल गई इसमें हमको क्या चीज मिली हमको क्या चीज मिली थी आर्क था और कॉर्ड था इन दोनों को लेकर के कॉर्ड था और आर्क था इन दोनों को इंक्लूड करते हुए हमने दोनों को कंटेन करता हुआ एक डायग्राम ड्रॉ किया एक फिगर ऑप्टेन किया दैट फिगर इज कॉल्ड क्या कहा गया सेगमेंट ऑफ अ सर्किल लेट्स कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहलाती है नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या चीज है बच्चों सेक्टर ऑफ अ सर्किल सर्किल के सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहला काम हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या होता है सेक्टर ऑफ अ सर्किल तो सेक्टर ऑफ सर्किल के, के केस में हमने कहा कि द रीजन एक ऐसा रीजन इनक्लोज बाय इनक्लोज बाय मतलब पूरी तरीके से क्लोज है द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड एन आर को ऑफ अ सर्किल कह दीजिए ऑफ अ सर्किल नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा ऑफ अ सर्किल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई टू बाउंडिंग कॉल्ड इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्किल सेक्टर ऑफ अ सर्किल देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या कहा गया कहा गया कि सपोज दैट अगर हमारे पास कोई सर्किल इस तरीके का है ये हमने सर्किल ले लिया कहा गया द रीजन इनक्लोज बाय एक ऐसा रीजन जो इन चीज़ों से इनक्लोज है कौन सी चीज़ों से एक है हमारे पास आर्क और दूसरा है हमारे पास रेडियाई हमने ले लिया कि एक हमारे पास ऐसा रीजन ये ऐसा रीजन जो कि सर्किल की आर्क को और क्या चीज़ और सर्किल के और दो रेडियाई से बाउंडेड होता है जैसे हमने एक ये है ओ ये हो गया ए ये हो गया बी ये सर्किल की रेडियाई एक मिली सर्किल की रेडियाई ये मिली और ये हमारा आर्क मिला तो तीन चीजें मिली हमें यहाँ पर आर्क मिला और दो रेडियस मिले इन इन तीनों को इन तीनों को इनक्लोज करता हुआ इन तीनों को कंटेन करता हुआ जो हमको क्या मिलेगा जो हमें एक टर्म मिलेगा जो हमें इन रीजन मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या बोलेंगे इसे सेक्टर ऑफ अ सर्किल अब ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो ये जो रीजन इस तरीके से बाउंडेड हुआ है दिस रीजन इज कॉल्ड योर सेक्टर ऑफ अ सर्किल इसे हमने क्या कहा ओ ए बी ओ इट इज इन दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्किल इसको क्या कहा गया हमने कहा इसको सेक्टर ऑफ अ सर्किल है क्या चीज था हमने कहा कि द रीजन इन क्लोज बाई एन आर्क क्या चीज है द रीजन इन बाय एन आर्क एक ऐसा रीजन जो आर्क और दो रेडियाई टू रेडियाई के थ्रू क्या होता है इनक्लोज किया जाता है बंद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्किल तो ये बेसिकली ये चीज हो गई अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल क्वाड्रेंट का मतलब होता है डेफिनेटली क्वाड्रेंट क्वाड्री क्वाडर से मिलकर है क्वाड मतलब होता है फोर फोर चीज फोर की बात करें तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करूं सपोज दैट कि आपके पास बेटा कोई सर्किल इस तरीके से गिवन है सपोज दैट यू हैव अ सर्किल अब यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो क्या चीज हमें मिली यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो क्या मिला आपको पता है कि अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो आपको पता है कि होल अगर हम सर्किल की बात करते हैं तो पूरे एंगल का डिग्री मेजर 360 डिग्री होता है 360 डिग्री हो गया तो इस तरीके से अगर हम इस सर्किल को क्या करें अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो इस सर्किल को हम बच्चों क्या कर सकते हैं फोर इक्वल पार्ट्स में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं नाइन्टी नाइन्टी के पार्ट्स में तो हमने क्या किया हमने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका जो वन पार्ट होता है फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वन पार्ट जो हमें मिलता है दैट पार्ट इज कॉल्ड योर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल चाहे ये पार्ट कंसीडर कर लें चाहे हम ये पार्ट कंसीडर कर लें चाहे ये पार्ट कंसीडर कर लें चाहे हम ये पार्ट कंसीडर कर लें तो उस तरीके से हमें क्या चीज मिल गई उस तरीके से अगर हम देखने की बात करें तो हमको इसकी डेफिनेशन क्या मिल गई डेफिनेशन मिली कि वन फोर्थ ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इज कॉल्ड

ध्यान से सुनिएगा क्या चीज बोला जाता है कोई ऐसा क्वाड्रिलेट्रल जिसके सारे जिसके सारे वर्टेक्स क्या होते हैं सर्किल पे लाई करते हैं क्वाड्रिलेट्रल हमने कहा कि हमको अगर एक कोई ऐसा क्वाड्रिलेट्रल मिल जाए जिसके सारे वर्टेक्स कहां पर लाई करें जिसके सारे वर्टेक्स सर्किल पे लाई करें यहाँ पर इसको भी सर्किल पे लाई करना है सारे वर्टेक्स सर्किल पे लाई करें तो उस केस में जो हमें क्वाड्रिलेट्रल मिलता है दैट क्वाड्रिलेट्रल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेट्रल एंड इन दिस केस दीज वर्टिस पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर कॉल्ड कॉन साइक्लिक इस केस में हम कहते हैं कि ये क्या है कौन साइक्लिक है मतलब एक ही साइकिल पे लाइक कर रहा है तो कुल मिलाकर के ये एक साइकिल लाई ना तो उस जिस तरीके से मतलब एक ही पे लाइक कर, कर रहे हैं तो हमें क्या चीज देखने को मिली हमें यहां से एक चीज देखने को मिली वो चीज आपकी क्या थी थी कि अड्रिलेट्रल एक ऐसा क्वाड्रिलेट्रल इज सेट टू बी सेट टू बी साइक्लिक इसे हम साइक्लिक कब कहेंगे इफ ऑल ऑफ ऑल ऑफ इट्स वर्टिस लाई ऑन अ सर्किल लाई ऑन अ सर्किल इसके जितने भी वर्टिस हैं वो सर्किल पर लाई करने चाहिए और वर्टिस या पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड र कॉल्ड कौन साइक्लिक कॉन साइक्लिक तो यह हो गई आपकी साइक्लिक की डेफिनेशन साइक्लिकल की डेफिनेशन लेट्स बच्चों थ्योरम नंबर सिक्स पे आते हैं वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू द पेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा टू अड बाईसेक्स द्या कह रहे हैं कह रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है उस सर्किल से सर्क, आ, सर्किल के सेंटर से ठीक है अगर हम सर्किल की कॉर्ड पे कोई पर्पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कह रहे हैं उस केस में जो कॉर्ड होगा वो क्या हो जाएगा बाइसेक्ट हो जाएगा ठीक हमने क्या किया सर्किल के सेंटर से पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी कॉर्ड पे तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है ये हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ थ्योरम में इसकी प्रूविंग में फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे गिवन में आएंगे गिवन के लिए आपने आपको बताया बहुत ही इजी सा पोर्शन हो गया हमने गिवन के केस में क्या ले लिया Uh, हमने कंसीडर कर लिया कि लेट लेट अ अर्किल हैविंग सेंटर ओ रेडियस आर इन विच इन विच इन विच ए बी इज अड ए बी क्या है हमारा कॉर्ड है ठीक है ए बी कॉर्ड है और हमने ले लिया कि एंड ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी ओ एल जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ध्यान से समझिए क्या क्या चीज है सबसे पहला काम हमने यहाँ पे सर्किल लिया पहले समझा दें आपको फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इन विच ए बी इस कॉर्ड एन ठीक है क्या चीज है ये हो गया सर्किल का सेंटर ठीक फिर हमने यहां से एक ले लिया कॉर्ड क्या कह रहे हैं ये द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल सर्किल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको हमने कह दिया कॉर्ड ए बी ये हमारा हो गया ओ एल ओ एल फिर सर्किल के सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये इसको हमने कह दिया 90 डिग्री ठीक अब क्या कहा जा रहा है अब हमें बताना है कि ये जो ओ एल है ये ए बी को क्या करता है बाइसेक्ट करता है मीन्स वी हैव टू शो दैट कि ए एल इज इक्वल टू एल बी ठीक बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ओ एल इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इट मीन्स कि वी हैव टू शो दैट ए एल इज इक्वल टू एल बी तो हमने गिवन में क्या लिख दिया लेट देयर इज अ सर्किल ऑफ सेंटर हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज स्कॉड एंड ओ एल ये क्या है है ए बी पे अब इसके बाद टू तो शो और टू तो प्रूफ क्या चीज हमें प्रूफ करनी है बेटा वी हैव टू शो दैट कि एल ए इज इक्वल्स टू वी हैव टू शो दैट एल ए इज इक्वल्स टू एल बी मीन्स हमको शो करना है कि ओ एल ए बी को वाई सेट कर रहा है इट मीन्स वी हैव टू शो दैट एल ए इज इक्वल्स टू एल बी अब कंस्ट्रक्शन करेंगे डेफिनेटली अगर हम इसमें हेल्प ना लें ट्राइंगल uh, की तो हम क्या करेंगे तो यूजलेस है हमने क्या किया इसको इस तरीके से ज्वाइन किया और इसको इस तरीके से ज्वाइन किया तो हमने क्या लिख दिया कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए एंड जॉइन ओ एंड ओ बी ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया ठीक है ये मिल गया अब यू कैन सी दैट कि हमारे पास दो ये भी 90 हो जाएगा अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमारे पास दो ट्राइंगल मिल रहे हैं प्रूफ uh, में आते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल ए एंड राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल बी दो ट्राइंगल मिल रहे हैं ओ एल ए और ओ एल बी अब इसके हिसाब से देखने की कोशिश करिए तो क्या चीज मिल रही है आपको आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी याद होगी आर एच एस में हमारे पास अगर कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल होते थे तो उ, उन राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनिय ठीक है करस्पॉन्डिंगली हाइपोटिन्यूस और जो है कोई एक साइड अगर इक्वल हो जाती थी तो उस केस में हम कह देते थे बच्चों क्या चीज़ कह देते थे कि जो आ, आ, हमारे जो दोनों ट्राइंगल होते थे दे आर कॉन्ग्रोन टू ईच अदर तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम प्रोसीड करेंगे इस केस में ट्राइंगल ओ में आई है और ओ में आई तो क्या चीज़ फर्स्ट थिंग मिली दैट ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी ओ के इक्वल हो गया अब जब ओ ए ओ बी के इक्वल क्यों हो गया बिकॉज बोथ आर रेडियस एंड इन दिस इन दिस केस ओ ए एंड ओ बी एक्ट्स लाइक अ हाइपोटेन्यूस ये हाइपोटेन्यूस है ये भी हाइपोटेन्यूस है फिर इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करिए तो दोनों ही ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है दैट इज ओ एल इज इक्वस टू ओ एल ओ एल इज इक्वस टू ओ एल कॉमन है ये पोर्शन कॉमन हो गया बेटा और ये पोर्शन आपका ओ ए इज टू ओ बी क्या हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया ठीक है थीके? और ये रेडियस भी तो है रेडियस ऑफ द सर्किल हमेशा इक्वल ही होती है अब इसके बाद क्या हो गया अब हम देखने की कोशिश करें तो ओ एल ए ओ एल बी में एक हाइपोटेन्यूस करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए और कोई एक साइड क्या हो गया इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी या आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ट्रैंगल ओ एल ए इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रैंगल ओ एल बी ट्राइंगल ओ एल बी ट्राइंगल ओ एल ए ट्राएंगल ओ एल बी के क्या हो गया? हो गया अब बेटा जब कॉन्ग्रट हो गया तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं तो जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में हमें यहाँ से क्या मिलेगा ध्यान से अगर देखने की कोशिश करिए तो हमें क्या मिला अगर देखने की कोशिश करिए तो ये आपको क्या मिल गया ओ एल इज इक्वस टू एल ए इज इक्वस टू यहाँ से एल बी मिल गया मीन्स यहाँ से हमें मिल गया ए एल एल बी के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों जब इक्वल हो गए तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी इस केस में ठीक है लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या कह रहे हैं इसी का कॉन्वर्स पार्ट है क्या चीज कही गई द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसे कॉर्ड अपुलर टू द कॉर्ड क्या चीज कही गई इस बार हम फिर से सर्किल ले रहे हैं सर्किल लिया हमने बच्चों ठीक कह रहे हैं कि ध्यान से समझना ये हो गया आपका कॉर्ड कह रहे हैं कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल सर्किल के सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं टू बाइसेट अ कॉर्ड कॉर्ड को बाइसेकट करने के लिए ये सर्किल का सेंटर रहा ठीक है कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए हम सर्किल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या है इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड वो कॉर्ड पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है मीन्स वी हैव टू शो दैट की दिस लाइन ओ एम इट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी ठीक ये बिल्कुल उसी का क्या है ऑपोजिट पार्ट है ऑपोजिट पार्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या दे रखा था यहाँ पर दे रखा था कि सेंटर से जो लाइन है दैट लाइन इज ये लाइन आपकी क्या है ये लाइन आपकी क्या है बच्चों ये लाइन पुलर है और आपने शो किया था कि ये बाइसेक्ट करेगी और इस केस में क्या है इस केस में यहां पर बाइसेकट हुआ है और शो करना है कि लाइन क्या हो जाएगी सेंटर से पास जो कॉर्ड पे आ रही है वो पॉपेंडिकुलर होगी मतलब दोनों ही थ्योरम दे दे आर कॉन्वर्स ऑफ ईच अदर दोनों ही कॉन्वर्स हैं एक दूसरे के अब इसके बाद हम लोग आते हैं देखिएगा क्या चीज है यहाँ से गिवेन की बात करते हैं गिवेन की बात करते हैं तो गिवेन में क्या लिखेंगे हमने गिवन में क्या लिख लिया बच्चों uh, हम हम गिवन की बात करें तो हाँ हाँ अ सर्किल हमारे पास एक सर्किल है अ सर्किल सी ओ आर इन विच इन विच ओ एम बाईसेक्ट बाईसेक्ट ए बी ओ एम ए बी को बाइसेक कर रहा है बाइसेक करने का मतलब क्या हो गया दैट इज एम ए इज इक्वल टू एम बी मतलब ये पोर्शन इसके इक्वल हो जाएगा ये हो गया अब हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कर दें जल्दी से कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होगा सॉरी टू प्रूफ पहले टू प्रूफ लिख दें टू प्रूफ क्या चीज प्रूफ करनी है बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है वी हैव टू शो दैट कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ये चीज शो करनी है एक चीज हमें ये मिल गई अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और दूसरी चीज हमें क्या चीज शो करनी है uh, uh. कंस्ट्रक्शन करेंगे कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो क्या कर लेंगे ओ ए ट्राइंगल तो बनाना ही बनाना है ओ और ओ बी OA ओ ए एंड ओ बी तो इस तरीके से ये चीजें हमको मिल गई अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करिए ट्राइंगल आपको दिख रहा है प्रूफ में आते हैं जल्दी से फटाफट इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी ठीक है अब देखिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर पहली चीज़ तो देखने की कोशिश करिए ओ इज इक्वस टू ओ बी ओ एम इज इक्वस टू ओ एम एंड ए एम इज इक्वस टू एम बी ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या हो गया ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएट हो गए ठीक है तो सबसे पहला काम ओ ए इज इक्वस टू ओ बी ओ एम इज इक्वस टू ओ एम एंड एम ए इज इक्वल टू एम बी तो यहाँ से बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ एम ए इट इज कॉन्ग्रोएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कांग्रोट हो गए अब बेटा जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोट हो गए तो इनके करस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे करस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाई सी पी सी टी करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रोएंट ट्राएंगल सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्र ट्राइंगल के थ्रू इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही क्या हो गए दोनों ही एंगल इक्वल हो गए मतलब दोनों ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए अब यहाँ से देखिए तो एंगल ए एम बी की अगर हम बात करते हैं ध्यान से सोचिएगा पूरा का पूरा एंगल एम जो बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री क्योंकि आपको पता है कि लीनियर स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो आपका 180 डिग्री का बनता है तो हमको पता है वी नो दैट वी नो दैट क्या चीज़ पता है कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी दे इट विल बी इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री दोनों ही क्या हो जाएंगे वन हंड्रेड दोनों का सम वन हंड्रेड एट्टी डिग्री हो जाएगा एंगल ओ एम ए किसके इक्वल है ओ एम बी के ओ एम बी हो गया ये प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और इस तरीके से टू टाइम्स एंगल ओ एम बी ज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और फाइनली यहां से हमें क्या मिला एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंगल ओ एम बी नाइन्टी डिग्री मिल गया तो डेफिनेटली यहाँ से क्या मिल गया दिस विल एम्प्लाइज दैट एंगल ओ एम ए ये भी हमारा क्या मिल गया नाइन्टी डिग्री तो इस तरीके से ये चीज हमको मिल गई नाइन्टी डिग्री तो हमने कह दिया कि देअ फोर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी ये प्रूफ हो गया इसका ठीक है अब इसी के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं नेक्स्ट uh, थ्योरम पे आते हैं लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है बच्चों नेक्स्ट थ्योरम में कह रहे हैं ये इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पहले मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को समझाऊंगी आपको ठीक सबसे पहला काम अगर आपने सर्किल ले लिया दो कॉर्ड्स ले लो जल्दी से फटाफट ये दोनों कॉर्ड क्या है अगर इसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करिए तो दोनों कॉर्ड्स क्या है इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम ए बी सी डी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सर्किल के इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेंटर से क्या होते हैं इक्वी डिस्टेंट होते हैं इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं बहुत हीजी है हमने इसको ले लिया ये हो गया आपका ओ सेंटर ऑफ द सर्किल ठीक ध्यान से समझिएगा इसको हमने सपोज कर लिया कि ओ एल हमने इसको अपनी तरफ से एज्यूम हम इसे अपनी तरफ से एज्यूम करके चलेंगे कि ये ओ एल है और ये ओ एम है और ये जो है ए बी पर परपेंडिकुलर लेकर के हम चलेंगे और ओ एम भी हम लेकर के चलेंगे कि सी डी परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर लेकर के चलेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा इसको प्रूव करना तो हमने इसको एज्यूम कर रखा है कि ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अर्कुलर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेंटर से ये जो डिस्टेंस मिल रही है कॉर्ड के बीच में और दोनों ही क्या हो जाएंगे इक्वल टू ईच अदर मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही डिस्टेंस क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी ठीक अब ये हो गया आपका काम हम आते हैं गिवेन में गिवेन क्या है इस पोर्शन का गिवेन पोर्शन ये है कि ये सारे स्टेटमेंट्स आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए तो हमने ले लिया अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच जिसमें क्या है जिसमें कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के इक्वल है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल हमने अपनी तरफ से क्या ले लिया है अपनी तरफ से लिया है एंड ओ एल इस परपेंडिकुलर टू ए बी ये लेकर के चले हैं हम ओ एल जो है ए बी के इस पे परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ एंड ओ एम ये परपेंडिकुलर है किस पे सी डी पर ये लेकर के हम चले हैं अब हमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा टू प्रूफ क्या चीज प्रूफ करनी है बच्चों वी हैव टू शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट क्या चीज प्रूफ करनी है वी हैव टू शो दैट कि जो है ओ एम के इक्वल है मतलब बोला क्या गया है कि बताइए कि जो कॉर्ड है सेंटर से इक्वी डिस्टेंड है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएंगी ये थ्योरम क्लास टेंथ में भी इंपॉर्टेंट है टेंथ में भी आपसे पूछी जाएगी टेंथ में भी सर्किल है और टेंथ में भी ये पढ़ाया जाएगा तो याद रखिएगा ठीक है अब यहां पर भी कंस्ट्रक्शन करना है कंस्ट्रक्शन हर जितने भी थ्योरम्स हैं सब में कंस्ट्रक्शन का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने रेडियस जो है बनाई है ये हो गया आपका ये पोर्शन ठीक मिल गया हमें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ एंड ओ सी और ओ सी कर लिया हमने अब ठीक है अब इतनी बातें हो गई प्रूफ में आते हैं प्रूफ में आए अगर हम बच्चों तो पहली चीज जो हमारे पास पता है हमें अभी पहले सुनिए ए बी इज इक्वल टू सी डी ये इक्वल दे रखा था ठीक है ए बी इज इक्वल टू सी डी दे रखा था हमने हाफ ऑफ ए बी कर दिया और हमने हाफ ऑफ सी डी कर दिया पूरा का पूरा ट्राइंगल का यूज है यहाँ पर अब देखिए ध्यान से क्या है ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम द थ्योरम नंबर फ्रॉम द थ्योरम नंबर सिक्स अभी आज की जो फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस की उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू अ कॉर्ड बाईसेक्ट द कॉर्ड मतलब ये जो परपेंडिकुलर सर्किल से सर्किल uh, के सेंटर से कॉर्ड पर जाएगा ये कॉर्ड को क्या करेगा बाई करेगा तो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करिए तो हमने लिखा वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि द पर्पेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू अड टू कॉर्ड तो यहां से हमने कहा कि ए एल जो है एल बी के इक्वल हो जाएगा और यहां से सीएम एम डी के इक्वल हो जाएगा ठीक हमको जरूरत किसकी है हाफ ऑफ एबी हाफ ऑफ सी डी हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी दोनों ही इक्वल है सी डी एबी का हाफ क्या हो जाएगा ए एल हो जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है ये बाई हो रहा है सी डी का हाफ कितना हो जाएगा सी डी का हाफ सीएम हो जाएगा क्योंकि हमें सीएम की रिक्वायरमेंट है एमडी की रिक्वायरमेंट होती तो हम एमडी लिख लेते हैं सीएम की रिक्वायरमेंट है तो हमने सीएम लिख लिया तो हमें ए एल इज इक्वल टू सीएम मिल गया है यहाँ से अब देखिए क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ से तो हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है अब हम क्या कर सकते हैं प्रोसीड कर सकते हैं इन ट्राइंगल ओ एल ए एंड ओ एम सी दो ट्राइंगल ले लीजिए इन ट्राएंगल ओ एल ए एंड ट्राइंगल ओ एम सी ट्राइंगल ओ एल ए और ओ एम सी में अगर हम आए तो दोनों ही क्या है राइट एंगल ट्राइंगल हैं ठीक है इसको लिख दीजिए कि इन राइट एंगल ट्राएंगल राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल ए एंड ओ एम सी ठीक है मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर आर एच एस हम अप्लाई कर सकते हैं पहली चीज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एज अ वर्क कर रहा है ये रेडियस ये रेडियस है ये रेडियस है रेडियस ओ ए ओ सी दोनों ही रेडियस हैं ठीक और दोनों ही ट्रायंगल की एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क कर रहे हैं तो एक इक्वल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में और दूसरी चीज़ अभी हम लोगों ने देखी ए एल इज इक्वस टू यहाँ से हमें क्या मिल गया ए एल इज इक्वस टू सी एम मिल गया देखने की कोशिश करिए तो ए एल इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा सी एम मिल गया ठीक है कैसे मिल गया इस वाले के पोर्शन से मिल गया हमें अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर कोई एक हा, दो हाइपोटेन्यूस करस्पॉन्डिंगली और कोई एक साइड इक्वल हो जाती है तो हम कह देते हैं कि बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्या हो गया ट्राइंगल ओ एल ए जो है ये किसके ट्राइंगल ओ एम सी के क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ एम सी के क्या हो गया बेटा कॉन्ग्रेंट हो गया अब जब ट्राइंगल ओ एल ए ट्राइंगल ओ एम सी के कांग्रेंट हो गया तो करस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं आपको पता है आराम से पता है तो अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट बच्चों इक्वल हो गए तो क्या चीज़ यहाँ से मिलने वाली है तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमें मिल गया ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम बहुत ही ईजी था ओ एल इज़ इक्वल्स टू ओ एम तो ये चीज़ आपको मिल गई इसको यहाँ से